दोस्तों आज के वीडियो में हम वैरागढ़ किले के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत है भारत की ओर इस YouTube चैनल में। इतिहास से जुड़ी रोमांचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वैरागढ़ गांव गढ़चिरौली जिले में आता है। गढ़चिरौली से लगभग यह 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैरागढ़ आरमोरी तालुका में आता है। वैरागढ़ नगरी जिसका निर्माण द्वापर युग में राजा वैराकन द्वारा हुआ, तब यह एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जिसपे उड़ीसा के राजा खारवेल ने भी आक्रमण किया था, ऐसी जानकारी हमें हाथी गुफा शिलालेख से प्राप्त होती है। देखते हैं पूरी जानकारी। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान वैरागढ़ किले का निर्माण चांदा के राजा कर्ण शाह ने करवाया था और वहां पर पुराम गोत्रीय गढ़वीर को तैनात किया। वैरागढ़ में हीरो की खदान थी। 1474 में गुलबर्गा के राजा बहमनी ने वैरागढ़ पर हमला किया। बहमनी को वापस भेजने के लिए चांदागढ़ के राजा की सेना ने संघर्ष किया। अंत बहमनी की विजय हुई और उन्होंने हीरे की लालसा में किले को नस्तनाबूद कर दिया। गढ़वीरों की गाथा के अनुसार वैरागढ़ से कोंडासुर, वेलयासुर, पुराम सिंह, करण सिंह आदि राजाओं ने राज्य किया, जिन्होंने जनहित के लिए अनेक कार्य किए, जिसके वास्तुकला के अवशेष आज भी मौजूद है। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद आप ऊंची ऊंची दीवारें देखोगे। यहाँ पे जो ये दीवारें बनाई गई है वो पत्थरों से बनाई गई है। यहाँ किले के एंट्रांस के ऊपर सैनिक तैनात रहते थे जो बाहरी आक्रमणकारियों को दूर भगाते थे। यह है किले का एक द्वार और यहीं से सरदार एवं राजा प्रवेश करा करते थे। वैरागढ़ में एक गोंड राजा का मकबरा भी है जिन्हें दूमशाह कहा जाता है। यहाँ शंभू माधव का एक प्राचीन पेन स्थल है जिसे गोंड राजा दिनकर शाह ने 11वीं शताब्दी के दौरान बनवाया था। ये एक प्राचीन हमें बावड़ी दिखाई देती है, शायद यहाँ पे पानी की समस्या रही होगी। एक दूसरी बावड़ी है जिसमें सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें बहुत सारी झाड़ियाँ यहाँ पे नजर आती है, लेकिन कैसे भूले कि किसी ज़माने में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता था किसी राज्य का। यहाँ पे आप एक रूम देख पा रहे हो जो एक सुरक्षा कर्मी का रूम हो सकता है। महाराष्ट्र शासन ने इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस पर उतना ध्यान नहीं दे सके। अगर इस पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाए तो ये वास्तु हमारी अगली पीढ़ी को देखने को मिल सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम किले के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ से पूरी एंट्रांस हम देख सकते हैं। बाहरी दुश्मनों पर ध्यान रखने के लिए ये बहुत ही बेहतर जगह है और शायद यहाँ पे सैनिक मौजूद रहते होंगे। आईनी अकबरी में जो अबुल फजल ने लिखी थी उसमें वैरागढ़ किले का विशेष वर्णन है। उसमें लिखा गया है कि वैरागढ़ में हीरो की खदान है और कर्ण शाह के बेटे बाबाजी शाह का भी वर्णन वहाँ पे मिलता है। किले के मुख्य द्वार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इस किले के ये प्राचीन अवशेष जो इस किले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन ये किला
जो अत्यंत गंभीर अवस्था में आज अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हीरे की खदान होने के बावजूद भी यहां कोई रोजगार नहीं। सरकारी योजनाएं केवल कागज पर ही दम तोड़ रही हैं। अगर यहां की जांच की जाए तो शायद खदान का पता चल सकता है, जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। किले के अंदर प्रवेश करने पर और किले के दीवारों के पास से गुजरने के बाद आप किले के अंदर की व्यवस्थाएं देख सकते हो। जैसे यहाँ पे तटबंदी में कुछ छेद यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों पर निशाना सैनिक साध सकते थे। किले के अंदर पीने के पानी की समस्याएं हो सकती है, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए किले के अंदर बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण किया गया है। आप अष्टकोणी बावड़ी भी इस किले के अंदर पाओगे। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें बावड़ियों का वर्णन आपको मिलेगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप गढ़चिरौली में आते हैं तो इस किले को जरूर देखें। तो दोस्तों, ये थी वैरागढ़ की पूरी जानकारी। ऐसी ही अनगिनत जानकारियां, चाहे वो गढ़चिरौली के संबंध में हो या चंद्रपुर या भारत के संदर्भ में हो, वो सारी जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इससे हमारा उत्साह और बढ़े और हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहे। इस वीडियो के शूटिंग के दरम्यान मुझे कुछ यहाँ पे दोस्त मिले, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस किले के बारे में मुझे बताई। मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, एवढ्या सगळ्या मंडळींनी आपल्याला सविस्तर हा किल्ला दाखवलेला आहे।